प्राइवेट बैंक सेक्टर के दिग्गज बैंकों में से कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई के फैसले के बाद कोटक पर ब्रोकरेज फर्म की एक रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है, क्या कहना है ब्रोकरेज फर्म का, निवेशकों को क्या करना चाहिए, जानते हैं सब कुछ उस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। हाल ही में आरबीआई के एक्शन के बाद स्टॉक में हमें जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। लगातार कोटक बैंक निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहा। आरबीआई ने कई तरह की कमियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए 1949 की धारा 35A के तहत बड़ा एक्शन लेते हुए कोटक महिंद्रा बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहक जोड़ने पर बैन लगा दिया है। और आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अभाव में बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम और उसके ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग चैनल्स ने बीते दो सालों की अवधि में कई बार आउटेज देखने को मिला है, जिससे बैंक ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और आरबीआई के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक जैसे अपनी आईटी इन्वेंट्री को मैनेज करता है और डेटा सिक्योरिटी का उसका जो तरीका है उसमें गंभीर कमियां पाई गई थी। इसके अलावा बैंक के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के VS मणियन ने इस्तीफा दे दिया था। इतनी मुश्किलों के बाद भी विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने सपोर्टिव वैल्यूएशन का हवाला देते हुए बैंक की रेटिंग अपग्रेड की है। इतना ही नहीं, ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए अपनी रेटिंग को न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है। जेपी मॉर्गन को कोटक महिंद्रा बैंक में 34% रैली की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक के लिए अपने टारगेट प्राइस में भी बढ़ोतरी की है। ब्रोकरेज ने इसके लिए ₹2070 का टारगेट प्राइस रखा है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयरों में मौजूदा लेवल से करीब तो करीब 34% की रैली आ सकती है। अब सवाल आता है कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो जेपी मॉर्गन ने इसके पीछे की वजह गिनाए हैं। और विदेशी ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि अगले दो सालों में कोटक महिंद्रा बैंक की बैलेंस शीट सालाना 16% की दर से बढ़ेगी। संपत्ति पर रिटर्न यानी ROA सामान्य होने के बाद भी उसका मानना है कि अगले दो सालों में बैंक की कमाई 16-17% की दर से बढ़ सकती है, जिसमें बेहतर ओपेक्स नियंत्रण से बढ़ोतरी की गुंजाइश है। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 ग्रोथ पर आरबीआई की कार्रवाई का असर कम होना चाहिए और कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई के बैन का जो इफेक्ट है वो पीबीटी स्तर पर न्यूनतम 300 से 500 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। नई सीईओ ने कोर टेक्नोलॉजी को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है, ऐसा मानना है जेपी मॉर्गन का। कोटक बैंक की बात करना चाहूंगी मैं, 4.5% की तेजी अभी इसमें दिख रही है। कोटक बैंक आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल है। कोटक बैंक ने शनिवार को अपने Q4 के नतीजों का ऐलान किया था, उसके बाद हमें ये आज इस पे ये ऐसा असर देखने को मिला है। सर, आरबीआई एक्शन के बाद लगातार कोटक बैंक टूट रहा था, लगातार टॉप लूजर्स में भी शामिल था बैंक निफ्टी के, आज उसमें ये हमें उछाल देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप कोटक बैंक को और इनके पोर्टफोलियो में वो क्या करें, और हाल ही में जेपी मॉर्गन ने जो ब्रोकरेज इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इसकी जो रेटिंग है वो बढ़ा दी है और टारगेट प्राइस इसका 2070 रखा है। जी हाँ, निचले स्तर पर यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिली है क्योंकि इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है फ्राइडे या सैटरडे को, क्लियर हुआ सैटरडे को, तो वहाँ से हमें एक पुलबैक मूव दिखाई दे रहा है। RSI भी ओवरसोल्ड जोन में आ गए थे, तो यहाँ से लगता है कि ये मेरे ख्याल से एक माइनर रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे 1650 का, उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो हमें फिर यहाँ से फिर 1700 के लेवल शो होंगे। बट ओवर ऐसा ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है कि जहाँ से मैं यहाँ पर रिकमेंड कर सकूँ कि इसमें बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। एक बैंड भी दिख रहा है कि 1650 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो वहाँ से फिर ये 1700 के लेवल्स को टच करेगा, और अगर ये 1590 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर से इसमें डाउनवर्ड प्रेशर दिखाई देगा और इसका जो पिछला स्विंग लो है 1540 के आसपास फिर वो उसको रिटेस्ट कर सकता है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे पर भी बात कर लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार को अपने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए थे और मार्च 2024 में बैंक का
स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18% से ज्यादा बढ़कर 4,133.30 करोड़ रुपए हो गया, जबकि चौथी तिमाही में इसकी जो है NII वो 13% बढ़कर 6,909 करोड़ रुपए हो गए। नतीजों की घोषणा के साथ ही बैंक के बोर्ड ने 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया। बैंक का GNP पिछले साल की चौथी तिमाही के 1.78% की तुलना में चौथी तिमाही में घटकर 1.39% रह गया, जबकि NNPA पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही में 0.37% की तुलना में 0.34% रहा। एवरेज करंट डिपॉजिट्स की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में ये बढ़कर 60,160 करोड़ रुपए हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही में 3% ज्यादा थी। तो कोटक बैंक ने शानदार नतीजे जारी किए हैं। ये जो खबर थी हमने आपकी जानकारी के लिए पेश की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।